आज बनाएंगे लिट्टी चोखा। लिट्टी के लिए लेंगे काला नमक, लहसुन मिर्ची का अचार, आम का अचार, धनिया पत्ता और सफ़ेद नमक। सारे मसाले को अच्छी तरह मिला लेंगे। लहसुन मिर्ची का अचार घर में ना हो तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर तेल में भूंज के इसमें मिला सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह सत्तू में मिला लेंगे और इसमें मिलाएंगे नींबू का रस। आटा गूंथ लेंगे, इसमें मिलाएंगे अजवाइन और घी। अब बनाएंगे लिट्टी का चोखा। कुकर में नमक डालकर ऊपर से आलू डालेंगे, फिर उसके ऊपर से नमक डालकर ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन का सीटी और रबर निकाल लेंगे। मीडियम आंच पर 30 से 40 मिनट छोड़ दें। आलू पक गया है, इसे इस तरह चेक करके देख लें। नहीं पकने पर इसे फिर से पका लें। अब पकाएंगे बैगन। बैगन में सरसों तेल लगाकर इसमें थोड़ा सा जीरा लगाकर चूल्हा पर पका लेंगे। बैंगन पक जाने के बाद टमाटर और मिर्ची पका लेंगे। चोखा में प्याज और गरम किया हुआ तेल मिलाएंगे। आटे में सत्तू का मसाला भरकर इस तरह गोल कर लेंगे और इसे ओवन में पका लेंगे। लिट्टी पक गया है, इसे फोड़ कर इसमें मिलाएंगे घी। लिट्टी चोखा सरसों का चटनी बनके तैयार है। सरसों का चटनी पहले से वीडियो पे डाला हुआ है।